सो गाइज, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। कंटेम्प्रेरी इंडिया की है 12th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी, इसे हम नई शिक्षा नीति भी बोल देते हैं। अब ये शिक्षा नीति क्या थी, क्या क्या इसने सुझाव दिए थे, वह सब हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे हम नई शिक्षा नीति भी कह देते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या कह देते हैं, NEP 86। अब ये शिक्षा नीति थी जिसके तहत आपने पढ़ाई की है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, जो आपने पढ़ाई की है प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन 5 साल की होगी, 10th करेंगे आप, 12th करेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे 3 साल की, वो जो आपने पढ़ाई की है, बीएड कर रहे हैं, वो आपने इस शिक्षा नीति के तहत ही पढ़ाई की है। इतनी सारी शिक्षा नीति आई हैं, लेकिन उस टाइम पर मोस्टली ये प्रभावी रही थी। 1992 में इसका संशोधन भी किया था इस शिक्षा नीति का। अब 2020 में नई शिक्षा नीति दोबारा बन गई है। अब आगे जो बच्चे पढ़ाई करेंगे वे 2020 की शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई करेंगे। जो 1986 की शिक्षा नीति थी, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जनवरी 1985 में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने घोषणा की थी कि राष्ट्र के लिए नई शिक्षा नीति का निर्माण किया जाएगा। राजीव गांधी ने क्या कहा था, हमें अपने समाज को एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां शिक्षा के प्रति सम्मान रहे, सम्मान बना रहे। स्कूल या कॉलेज छोड़ने के साथ ही शिक्षा समाप्त नहीं होती, बल्कि यह तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। 1985 में राजीव गांधी ने नई शिक्षा नीति बनाने की घोषणा की थी, जिसे 1986 में बनाकर तैयार कर दिया गया था। उसके बाद सन 1986 में तत्कालीन सरकार ने शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करके जारी कर दिया। इसमें भारतीय शिक्षा में परिवर्तन के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए थे। इस शिक्षा नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या फिर नई शिक्षा नीति 1986 कहा गया। इस शिक्षा नीति का सन 1992 में संशोधन भी किया गया था। अब 2020 तक यही शिक्षा नीति प्रभावी रही थी। वैसे तो 2030 तक यही शिक्षा नीति प्रभावी रहेगी, क्योंकि जो 2020 वाली शिक्षा नीति अभी बनी है ना, उसे 10 साल का टाइम माना गया कि 10 साल लगेंगे इसे कॉलेजों तक पहुंचाने में और पूरी तरह से लागू होने में। तब हम व्यावहारिक रूप से कह सकते हैं 2030 तक जो 1986 वाली शिक्षा नीति थी वही लागू रही, और जो भी स्कूलों में पढ़ाई चल रही है वो इसी नीति के तहत पढ़ाई चल रही है। अब इस शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन करने के लिए क्या क्या सुझाव दिए और क्या क्या इसकी संस्तुतियाँ थी। संस्तुतियाँ, सुझाव, विशेषताएं या गुण कुछ भी आपके पेपर में आए, 1986 की शिक्षा नीति के बारे में हेडिंग सेम ही रहेंगी। दूसरी, अगर हम शिक्षा नीतियों की बात करें या फिर शिक्षा के जो आयोग आए हैं उनकी बात करें, उन्होंने कम मुद्दों पर बात की है, लेकिन एक मुद्दे पर ही ज़्यादा बात की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्या किया, ज़्यादा मुद्दों पर बात की लेकिन थोड़ी थोड़ी बात की। इस वजह से इस शिक्षा नीति को बारे में अगर आप पेपर में लिखेंगे तो हेडिंग थोड़ा बढ़ जाती है। 30-35 मुद्दे थे शायद जिस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बात की थी, उसमें से 24 मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। आगे और भी ले सकता था मैं, लेकिन ऐसी कोई वही बात आ जाती है, कितने ही ले लो, याद तो इतने ज़्यादा रहते नहीं है ना पेपर में। तो पेपर में आप कम से भी कम 15 तो लिख कर ही आएँ, हो सके तो 20 लिखने की कोशिश करें ये हेडिंग। इन्हें आप अपने अनुसार रट लें कि शिक्षा का कार्यक्रम कैसे होगा, ये हमारी प्राथमिक शिक्षा हो गई, ये विकलांग शिक्षा, अनुसूचित जातियों की, अल्पसंख्यकों की, स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा। तो इस तरह से इन्हें सिक्वेंस वाइज आप अपने हिसाब से कर लें और याद करने की कोशिश करें, ये याद हो जाती है। ये तकनीकी शिक्षा जो है उस सबको एक साथ रख लें आप, तो वो आप जितनी हेडिंग याद कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, क्योंकि इसमें हेडिंग ज़्यादा मिलेंगी आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। अब एक एक करके हेडिंग देखते हैं हम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्या क्या सुझाव दिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा का कार्यक्रम, जो हमारी शिक्षा है उसका कार्यक्रम कैसा रहेगा, उस कार्यक्रम के बारे में शिक्षा नीति ने बताया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषता यह थी कि उसने संपूर्ण देश में एक प्रकार की शिक्षा संरचना लगाने की बात कही, और शिक्षा संरचना कौन सी थी, ये थी 10+2+3। अभी तक भी यही लगी हुई है, 10+2+3। बच्चा जब भी स्कूल में जाता है तो मेन एग्जाम उसके सबसे पहले 10वीं क्लास में ही होते हैं। तो 10वीं क्लास पास कर लिया उसने, बोर्ड एग्जाम हुए, बाह्य एग्जाम हुए। उसके बाद 12वीं कक्षा वह पास करेगा, बाह्य एग्जाम, बोर्ड एग्जाम हुए। उसके बाद वह 3 साल की ग्रेजुएशन करेगा, 10वीं पास करेगा, 2 साल में वह
इंटरमीडिएट पास करेगा और 3 साल में ग्रेजुएशन पास करेगा। ये एक शिक्षा का कार्यक्रम इस नीति ने लगाया और आप भी सोच कर देखो, आपने भी पढ़ाई इसी कार्यक्रम के अकॉर्डिंग की है। 5 वर्ष का प्राथमिक स्तर होगा कक्षा 1 से 5 का प्राथमिक स्तर, 3 वर्ष का उच्चतर प्राथमिक स्तर होगा कक्षा 6 से 8 तक का, 2 वर्ष का माध्यमिक स्तर होगा कक्षा 9 व 10 का, जिसे हम हाई स्कूल लेवल भी कह देते हैं, 2 वर्ष का इंटरमीडिएट स्तर होगा कक्षा 11 व 12 का, जिसे हम वही कह देते हैं 12th क्लास के जो लेवल है या फिर इंटरमीडिएट लेवल है, उसके बाद 3 वर्ष का हमारा स्नातक स्तर होगा। अगर इसे हम माने तो ये हो जाता है 10, ये 2 और ये 3, 10+2+3, ये हमारी एक संरचना शिक्षा नीति ने बताई और ये कहा कि पूरी भारत में इस संरचना को ही लागू करो, जिसे लागू भी कर दिया गया। उसके बाद बात कर लेते हैं हम पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा या फिर प्रारंभिक शिक्षा की, मुख्य रूप से प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी, प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक होंगे जिनमें से कम से कम 1 महिला होगी। नई शिक्षा नीति ने क्या कहा कि जो प्राथमिक विद्यालयों के लिए न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं, जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति की जाएगी और हर विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक होंगे जिनमें 1 महिला होनी जरूरी है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए महिला अच्छा शिक्षक के रूप में योगदान देती है अपना। बाल रक्षा एवं शिक्षा कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी और इन्हें बाल विकास कार्यक्रमों के साथ समन्वित किया जाएगा या समन्वित किया जाएगा। अब ये कुछ कार्यक्रम चल रहे थे बालकों की शिक्षा के लिए, बाल रक्षा एवं शिक्षा कार्यक्रम और बाल विकास कार्यक्रम, इन्होंने कहा इस शिक्षा नीति ने कि इन सबको एक साथ मिला दिया जाएगा और एक साथ आगे बढ़ाया जाएगा। विद्यालय छोड़ने वाले बालकों के लिए एक वृद्ध एवं व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा तथा यह परिवर्तन प्रयास किया जाएगा कि इसकी गुणवत्ता किसी भी प्रकार औपचारिक शिक्षा से कम न हो। ऐसे बच्चे जो विद्यालय छोड़ देते हैं उनकी शिक्षा के लिए विद्यालय से बाहर ही एक अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस प्रकार का यह प्रोग्राम चलाया जाएगा अनौपचारिक शिक्षा प्रोग्राम की यह जो औपचारिक शिक्षा है हमारी स्कूली शिक्षा उससे अलग न हो, गुणवत्ता में उसी की तरह का हो। ये प्रयास किया जाएगा हमारे द्वारा 1990 तक 11 वर्ष के तथा 1995 तक 14 वर्ष के सभी बालकों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर दी जाए, ये प्रयास किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक प्रदेश 14 वर्ष की आयु तक ठहराव और गुणात्मक वृद्धि की जाएगी, शारीरिक दंड का शिक्षा प्रणाली में कोई स्थान नहीं रहेगा। ये बात तो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बताई कि शारीरिक दंड का शिक्षा प्रणाली में कोई स्थान नहीं रहेगा, मतलब 1986 में ये बात कह दी गई थी कि किसी भी बच्चे को कोई भी शारीरिक दंड न दिया जाए। लेकिन अब आप अपने बारे में सोचो कितना आपकी कुटाई हुई और कितना आपको मुर्गा बनाया गया शिक्षा नीति लगने के बाद भी, बस आपको पता नहीं था कि शिक्षा नीति लगी हुई है। तो ये बात इन्होंने कही थी कि हम दंड वगैरह पर ज़्यादा बल नहीं देंगे। मूल्यों की शिक्षा, बच्चों को मूल्यों की शिक्षा प्रदान की जाएगी, सार्वजनिक प्रकृति के मूल्य की शिक्षा पर बल दिया जाएगा, जो व्यक्तियों की समानता एवं एकता पर बल देकर अंधकार, धर्मांधता, हिंसा, अंधविश्वास आदि के उन्मूलन में सहायक होगी। हम मूल्यों की शिक्षा पर बल देंगे, सार्वभौमिक प्रकृति के मूल्यों की शिक्षा पर, सामाजिक मूल्यों की शिक्षा पर बल दिया जाएगा। इससे क्या होगा, अंधकार, धर्मांधता, धर्म में अंधे होकर जो लोग कुछ भी कर देते हैं, हिंसा करते हैं, अंधविश्वास करते हैं, ये चीज़ें खत्म हो जाएगी फिर हमारे समाज से। विकलांगों की शिक्षा के बारे में भी इन्होंने कहा, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सामान्य छात्रों के साथ सहभागी बनाने पर बल दिया जाएगा, मतलब जो विकलांग बच्चे हैं उनकी कोशिश की जाएगी सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा प्रदान की जाए, अलग से स्कूल कम खोले जाएँ। विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, अधिक विकलांगों के लिए जिला स्तर पर छात्रावास और स्वैच्छिक पर्यटनों पर विशेष बल दिया जाएगा। विकलांगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और छात्रावास व उन्हें स्कॉलरशिप वगैरह भी दी जाएगी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की क्या शिक्षा रहेगी, अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास के लिए गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल भेजने का प्रलोभन दिया जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा तथा छात्रवृत्ति योजना, निदानात्मक शिक्षण, शिक्षकों की नियुक्ति, छात्रावास सुविधा आदि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे जो गरीब बच्चे हैं वे भी शिक्षा में प्राप्त कर सकें। अनौपचारिक शिक्षा से मतलब है स्कूल से बाहरी शिक्षा उन्हें प्रदान कर दी जाएगी, छात्रवृत्ति दी जाएगी उन्हें, निदानात्मक शिक्षण मतलब उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है
या उनके सीखने में कहाँ कमी आ रही है उस चीज़ का निदान किया जाएगा, उनकी जो कमी है उनका समाधान किया जाएगा, शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और छात्रावास की सुविधा भी गरीब बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी जिससे गरीब बच्चे शिक्षा ले सकें। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाएगी, आश्रम विद्यालय और व्यावसायिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था भी की जाएगी। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर गरीब बच्चे ज़्यादा हैं वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करो, व्यावसायिक पाठ्यक्रम व आश्रम विद्यालय की भी स्थापना करो। आश्रम विद्यालय वही जो हमारे अनौपचारिक शिक्षा थी कि बाहर से ही आप उन्हें शिक्षा प्रदान कर दो। अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा, अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा है उसमें गुणात्मक और सामाजिक न्याय की दृष्टि से विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्त्री शिक्षा के बारे में क्या कहा, विभिन्न पाठ्यक्रमों द्वारा स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा, समय समय पर योजनाओं द्वारा स्त्री शिक्षा के उन्मूलन, अलग अलग पाठ्यक्रम बनाए जाएंगे, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा और स्त्री शिक्षा के जो निरक्षरता है, स्त्री शिक्षा में निरक्षरता है उसके उन्मूलन के लिए समय समय पर योजनाएं बनाई जाएंगी। प्राथमिक शिक्षा में पहुँच व निरंतरता सुनिश्चित की जाएगी, जो स्त्री हैं जो बालिकाएं हैं वो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें इसकी जो है बात निश्चित की जाएगी, ये बात सुनिश्चित की जाएगी। इसमें व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण पर बल दिया जाएगा। अब बालिका की शिक्षा पर भी बहुत उत्थान किया जाएगा, अलग अलग तरह के पाठ्यक्रम बनाए जाएंगे, तकनीकी प्रशिक्षण उन्हें दिया जाएगा, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वे भी कुछ काम कर सकें, जिससे वे अपने पिता पर या पति पर ही निर्भर न रहें, आत्मनिर्भर हो सके। उन्हें जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी उसे सुनिश्चित किया जाएगा, उनकी प्राथमिक शिक्षा को। गणित व विज्ञान की शिक्षा के बारे में क्या कहा, गणित शिक्षण को आधुनिक तकनीकी उपकरणों के अनुरूप संगठित किया जाएगा। जो गणित शिक्षण है आजकल के जो आधुनिक तकनीकी उपकरण आ गए हैं, कंप्यूटर मोबाइल वगैरह जो आ गए हैं उसके अनुरूप पुनर्गठित किया जाएगा। विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किए जाएंगे कि वह शिक्षार्थियों में समस्या समाधान एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करें। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रौढ़ शिक्षा, मतलब जो व्यक्ति लगभग 20 या 25 साल के हो गए हैं उन्होंने अभी तक कोई भी शिक्षा नहीं ली है, जो वयस्क हो गए हैं, वयस्कों की शिक्षा की व्यवस्था। निरक्षरता उन्मूलन में विद्यार्थियों अध्यापकों युवाओं और स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लिया जाएगा। साक्षरता कार्यक्रमों द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के सामान्य आवश्यक एवं रुचि पर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जो हमारी निरक्षरता है उसके उन्मूलन के लिए विद्यार्थियों अध्यापकों युवाओं और संगठन जो है निरक्षरता के खिलाफ काम कर रहे हैं उनका सपोर्ट लिया जाएगा और प्रौढ़ों के लिए और प्रौढ़ शिक्षा प्रदान की जाएगी, सामान्य शिक्षा दी जाएगी। जो ऐसा नहीं है कि विज्ञान की एडवांस शिक्षा हम उन्हें दे देंगे प्रौढ़ों को, आवश्यकता ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिसकी प्रौढ़ों को आवश्यकता और उनकी रुचि पर आधारित शिक्षा उन्हें दी जाएगी। मोस्टली व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे प्रौढ़ों के लिए, ऐसे कार्यक्रम जिनके द्वारा प्रौढ़ों को व्यवसाय के प्रति जागरूक किया जा सके, उन्हें इस लायक बनाया जा सके कि वे अपना कोई व्यवसाय का निर्माण कर सके जिससे कि अपना खर्चा पानी में निकाल सके। नवोदय विद्यालय, अब यहाँ से नवोदय विद्यालय की भी बात आ गई, कोई पूछ सकता है नवोदय विद्यालय का जन्म कहाँ से हुआ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86 से हुआ था। इन्होंने ही कहा था ग्रामीण क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय होगा जिससे क्या होगा, ग्रामीण बच्चों में शिक्षा की प्रगति आगे बढ़ सकेगी। देश के विभिन्न भागों के प्रतिभावान बालकों को जिनमें अधिकांश ग्रामीण बालक होंगे उन्हें तीव्र गति से आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाएगा और ये नवोदय विद्यालय किसी ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा जिससे ग्रामीण शिक्षा को प्रमोट किया जा सके। इन विद्यालयों में नवाचार और प्रयोग की पूरी सुविधा उपलब्ध होगी, बच्चे अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं इन विद्यालयों में। इन विद्यालयों में 75% जो सीट हैं वे ग्रामीण छात्रों के लिए निर्धारित होंगी। तो नवोदय विद्यालय ग्रामीण बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए थे और अब आप देखो आपके जिले में एक न एक नवोदय विद्यालय जरूर होगा। ग्रामीण विश्वविद्यालय, इन्होंने ग्रामीण लेवल के विश्वविद्यालय बनाने के लिए भी कहा, ऐसी यूनिवर्सिटी बनाओ जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करे, ग्रामीण बच्चों को आगे बढ़ाए। ग्रामीण जो अंचल है उनके रूपांतरण के लिए महात्मा गांधी जी के विचारों पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय का नया है ये ग्रामीण विश्वविद्यालयों का नया पैटर्न विकसित एवं एकीकृत करने पर बल दिया जाए, तो ये इन्होंने कहा था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पुस्तकों की गुणवत्ता, पुस्तकों के बारे में इस शिक्षा नीति ने क्या कहा, पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा, सृजनात्मक जो लेखक है अच्छा लेखक है उसे प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, लेखकों के हितों में काम किया जाएगा। इसके अलावा सभी शिक्षा संस्थाओं में पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी, पुस्तकालय दक्ष है उसके स्तरों
में बढ़ोतरी की जाएगी, उसके स्तरों में अपेक्षित संशोधन व सुधार करने पर बल दिया जाएगा। वही बात है, मैं कह चुका हूँ, पुस्तकों जो हमारी किताबें हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा, लेखकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, लेखकों के हितों की रक्षा की जाएगी, और जो सभी स्कूल हैं उनमें लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, और जो लाइब्रेरी का हमारा अध्यक्ष है, जो लाइब्रेरी टीचर है हमारा, उसकी गुणवत्ता में भी सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी परीक्षा प्रणाली। परीक्षा प्रणाली के बारे में क्या कहा, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करके, जो रटने की प्रवृत्ति है उसे कम करना है हमें, निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन को प्रभावी बनाया जाएगा, अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान किए जाएंगे, ABCD बच्चों को नंबर न प्रदान करके ABCD प्रदान किया जाएगा, इससे बच्चे अगर फेल हो जाते हैं या कम नंबर आते हैं तो वे सीधा डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, बच्चों को सीधा सीधा उनके नंबरों के बारे में नहीं पता चलेगा, तथा माध्यमिक स्तर से ही क्रमिक रूप से सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाएगी। इन्होंने सेमेस्टर प्रणाली भी लागू करने के लिए कहा माध्यमिक शिक्षा में ही, मतलब कक्षा 9 से ही इन्होंने सेमेस्टर प्रणाली लागू करने के लिए कहा था, ये बात इनकी मानी नहीं गई थी। एक तो देखो ग्रेडिंग सिस्टम भी इतना नहीं आई थी, सिर्फ 10th क्लास में आई थी, और 10th क्लास में भी पूरी तरह से सभी राज्यों में पूरी तरह से लागू नहीं हुई थी। दूसरा ये नहीं हुआ था, जो सेमेस्टर प्रणाली थी वो लागू नहीं की गई थी, सेमेस्टर प्रणाली तो अब लागू की जा रही है यूनिवर्सिटी में भी। साथ ही साथ छात्रों को फेल नहीं किया जाएगा, उन्हें ग्रेड प्रदान किए जाएंगे कि आपका ग्रेड आ गया ई, ई का मतलब है आपको यही क्लास दोबारा पढ़नी है, लेकिन आप फेल नहीं हुए हैं। हम बच्चों को ये नहीं कहेंगे आप फेल हो गए, हम बच्चों को ये कहेंगे कि आपके ग्रेड ई आ गई है, ई ग्रेड का मतलब होता है आप यही क्लास अब दोबारा से पढ़ेंगे लेकिन आप फेल नहीं हुए हैं। तो कुछ ऐसी प्रणाली की व्यवस्था इन्होंने की थी कि बच्चों को फेल नहीं करना लेकिन उन्हें ग्रेड प्रदान कर दो कम वाले। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, उच्च माध्यमिक शिक्षार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा, जो उच्च माध्यमिक है मतलब 11-12 के बच्चे हैं उन्हें व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा। कार्य अनुभव को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया जाएगा, मतलब कार्य कराया जाएगा बच्चों को और अनुभव के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए सुसंगठित शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षार्थियों की रुचियों योग्यताओं एवं स्तर आवश्यकताओं आदि का ध्यान रखकर शैक्षिक कार्यक्रम नियोजित किए जाएंगे। बच्चों को कार्य अनुभव के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाएगी, मतलब कार्य कराकर खुद अनुभव से, न कि बच्चों को रटाकर। इसके लिए क्या करना होगा, हमें शैक्षिक कार्यक्रम बनाने होंगे। शैक्षिक कार्यक्रम कैसे होंगे, क्रमिक रूप से होंगे, विद्यार्थियों की रुचि योग्यता व स्तर के अनुसार होंगे। ये कहा गया माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के बारे में। अब शिक्षकों के बारे में क्या कहा गया है, शिक्षकों को चयन की योग्यता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता और वांछनीयता की दृष्टि से पुनर्गठित किया जाएगा। जो हम शिक्षकों का चयन कर रहे हैं, चयन करने की जो योग्यता है उनकी, उसका पुनर्गठन किया जाएगा। शिक्षक का मूल्यांकन प्रणाली खुली, सहभागिता युक्त एवं पद्धत आधारित होगी। शिक्षकों का मूल्यांकन भी किया जाएगा कि उनके कितने बच्चे कितने नंबर लाए हैं। वेतन, सेवा शर्तों और पदोन्नति मतलब प्रमोशन के अवसरों में वृद्धि की जाएगी, तथा साथ ही उनके उत्तरदायित्व आदर्शों के अनुसार अच्छी निष्पत्ति एवं प्रलोभन व अन्य नीति के लिए दंड की व्यवस्था होगी। अगर वे अपना काम सही नहीं करते तो कुछ न कुछ न दंड भी दिया जाएगा, उन्हें निष्कासित किया जा सकता है। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय आचार संहिता निर्मित की जाएगी, उसका अनुपालन करना भी सुनिश्चित किया जाएगा। अब एक राष्ट्रीय आचार संहिता मतलब शिक्षकों के लिए एक आचार नीति सुनिश्चित की जाएगी, शिक्षकों के क्या काम होते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें, और सभी शिक्षकों को उसका पालन करना होगा, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी उच्च शिक्षा एवं खुला विश्वविद्यालय। जो ओपन यूनिवर्सिटी है ना वो बन चुकी थी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो इग्नू है ना वह बन चुकी थी, नई शिक्षा नीति आने के टाइम पर ही बनी थी वह, जिस टाइम पर नई शिक्षा नीति आई थी तब उसके बारे में भी लिखा हुआ है इन्होंने कि वो जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा उसको भी, उसके प्रमोशन के लिए भी अच्छे काम किए जाएंगे। उच्च शिक्षा कार्यक्रमों को विशेषज्ञता की मांग को ध्यान में रखते हुए पुनर्गठित किया जाएगा। जो हमारे उच्च शिक्षा कार्यक्रम है, जो यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं उन्हें पुनर्गठित किया जाएगा, अच्छा बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय में शोध के लिए सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। 1985 में स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय जो इग्नू है, ये जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी थी, इसको समृद्ध किया जाएगा मतलब अच्छा किया जाएगा।
नेक्स्ट हेडिंग है हमारी तकनीकी और प्रबंध शिक्षा के बारे में। इस शिक्षा नीति ने क्या कहा, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा संस्थाओं को आधुनिकतम सुविधाओं, पुस्तकालय, कंप्यूटर आदि से सुसज्जित किया जाएगा। जो हमारी तकनीकी शिक्षा संस्थाएं हैं उनमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आधुनिकतम सुविधाएं हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर वगैरह, वो चीज़ उस शिक्षण संस्थान को दी जाएगी। महिलाओं को व आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को व विकलांग वर्गों के लिए तकनीकी शिक्षा के समुचित औपचारिक व अनौपचारिक कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। महिलाओं को आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से कमजोर और जो विकलांग व्यक्ति हैं, विकलांग वर्ग है, उन सबके तकनीकी शिक्षा की जो व्यवस्था है वह सुनिश्चित की जाएगी। कंप्यूटर साक्षरता के बारे में इन्होंने क्या कहा कि कंप्यूटर की जानकारी होनी आवश्यक है। कंप्यूटर साक्षरता का मतलब है कंप्यूटर में साक्षर होना, मतलब कंप्यूटर चलाना आना। इन्होंने कहा कि कंप्यूटर आज के टाइम में एक बहुत अच्छी चीज़ आई है, काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी और हमारे जो हम काम करते हैं उसमें भी। इस वजह से कंप्यूटर की जानकारी सब बच्चों को होनी चाहिए, कंप्यूटर में साक्षर होने चाहिए सभी बच्चे। चूँकि कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक साधन बन गया वर्तमान समाज में, अतः कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी सभी बच्चों को हो। कंप्यूटर की जानकारी और उसके उपयोग की जानकारी व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है उसका अंग बनाया जाएगा। मतलब जो व्यावसायिक शिक्षा हम दे रहे हैं, व्यावसायिक शिक्षा में हम कंप्यूटर की जानकारी या उसके उपयोग की जानकारी बालकों को देंगे। कंप्यूटर साक्षरता के कार्यक्रम स्कूल स्तर से ही बड़े पैमाने पर नियोजित किए जाएंगे। कंप्यूटर की जो जानकारी बच्चों को स्कूल के लेवल से प्रोवाइड करनी शुरू कर दी जाएगी। आप भी जानते होंगे नाइन टेंथ में आप 8 को छोड़कर कंप्यूटर ले सकते थे, तो कंप्यूटर भी उस टाइम पर उपलब्ध थी सुविधा कंप्यूटर की भी। शैक्षिक अपव्यय अवरोधन, अब अपव्यय अवरोधन होते हैं, एक तो फैल होना होता है, एक बच्चा क्लास छोड़कर चला जाता है। अगर बच्चे ने एडमिशन ले लिया, क्लास छोड़कर चला गया या फिर वो फैल हो गया, इसका मतलब हमारी शिक्षा व्यवस्था बेकार हो रही है, उसका कोई लाभ नहीं हो रहा। तब शैक्षिक अपव्यय अवरोधन को, बच्चों के फैल होने को और क्लास छोड़कर जाने को रोको। इस शिक्षा नीति ने शैक्षिक अपव्यय अवरोधन की समाप्ति के प्रयास किया हो और प्रयास करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि हम अपव्यय अवरोधन को कैसे रोक सकते हैं। 3 बातें कही, किसी भी छात्र को फैल मत करो, मूल्यांकन साल के लास्ट में मत करो, टाइम टाइम पर करते रहो, विद्यालय की व्यवस्था छात्रों की सुविधा अनुसार करो, जैसे बच्चे चाहते हैं उस प्रकार की विद्यालय की व्यवस्था करो, इससे बच्चे फैल नहीं होंगे और स्कूल छोड़कर नहीं जाएंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसने शिक्षा नीति 86 ने कहा था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था की जाए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इस कार्यक्रम के तहत सभी विद्यालयों को बेसिक आवश्यक सामग्री प्रदान की जाए, जैसे कि कमरे, विद्यालयों के लिए क्या क्या चाहिए, कमरे, हॉल वगैरह, फर्नीचर वगैरह चाहिए, बोर्ड वगैरह चाहिए, तो इस तरह की जो बेसिक ज़रूरतें होती है ना प्राइमरी एजुकेशन के जो स्कूल हैं उनकी बेसिक ज़रूरतों की पूर्ति की जाए, जैसे घंटी हो गई, विद्यालय में एक नल होना चाहिए, तो चौक होना चाहिए विद्यालय में, तो ये जो बेसिक जरूरत के सामान है ना प्राइमरी स्कूल के लिए, ये प्रोवाइड कराए जाने चाहिए। इस शिक्षा नीति ने कहा था सभी विद्यालय को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से एक कार्यक्रम चलाया जाए, इस कार्यक्रम के तहत बेसिक सामग्री विद्यालय को प्रदान की जाए। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला भी था बाद में, इसके बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में भी, ये हम बाद में पढ़ लेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत ऐसे विद्यालय जिन विद्यालयों के पास ना तो ठीक प्रकार से भवन है और ना ही शैक्षिक उपकरण है, उन्हें सभी प्रकार की जरूरत सामग्री व आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाएं। वही बात है जो मैं बता चुका हूँ, उनके लिए भवन की मरम्मत की जाए तथा नए भवन बनाए जाएं। अध्यापन सुविधाओं के विस्तार हेतु प्रत्येक विद्यालय में 2 अध्यापक हो, 2 बड़े कमरे हो, शामपट हो, नक्शा हो, चार्ट हो, शिक्षण के लिए आवश्यक खेल सामग्री व अन्य शिक्षण सहायक सामग्री हो। तो वही बात है, विद्यालयों के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो प्रदान की जाए विद्यालयों को। शिक्षा में समानता की भावना को लागू किया जाए जिससे भेदभाव खत्म हो सके। भारत में शिक्षा सभी वर्गों के लिए समान होगी, महिलाओं के लिए, SC ST कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए, विकलांगों के लिए, अल्पसंख्यक जो भी हैं, सबके लिए शिक्षा समान होगी, किसी को भेदभाव के साथ शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी। जो भेदभाव है शिक्षा प्रदान करने में, इन सब के मध्य में सब भेदभाव खत्म कर दिए जाएंगे। प्रत्येक राज्य बिना किसी भेदभाव के, धर्म, लिंग, जाति, वर्ग के बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करेगा। तो ये बात का इन्होंने, शिक्षा में समानता होनी चाहिए, शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव न हो, अगर किसी प्रकार का भेदभाव हो तो उसे खत्म कर दो और बिना किसी भेदभाव को शिक्षा प्रदान करो, बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करो।
प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण से मतलब होता है प्राथमिक शिक्षा सब बच्चों को मिले, हर जगह फैल जाए। सार्वभौमिकरण बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब हर जगह फैल जाना। तो प्राथमिक शिक्षा हमारे पूरे भारत में फैल जानी चाहिए, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए, इस शिक्षा नीति ने यह भी कहा। ये बात पहले भी आ चुकी है, प्राथमिक शिक्षा के बारे में आई थी। शिक्षा नीति की सबसे अच्छी एक विशेषता यह थी कि सन शिक्षा नीति 1986 ने क्या कहा, सन 1990 तक तो 11 साल के जो 6 से 11 साल के बच्चे हैं वे पूरी तरह से शिक्षा प्राप्त कर लें, सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध हो, इसके अलावा जितने बालक बालिकाएं हैं सबके लिए, और 1995 तक 14 साल के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो। हम ऐसे कह सकते हैं 1990 तक तो सभी बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन मिल जाए और 1995 तक सभी बच्चों को अपर प्राइमरी एजुकेशन मिल जाए, तो ये सुविधा हम करेंगे। सभी बालक बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी इस साल तक इन बच्चों के लिए। प्रत्येक राज्य यह सुनिश्चित करेगा और इसे कठोरता से लागू करेगा। इन्होंने क्या कहा, 1986 में ये शिक्षा नीति आई थी, इन्होंने क्या कहा, जो पाँचवीं क्लास तक की शिक्षा है वह 1990 तक सभी बच्चों के पास पहुंच जानी चाहिए, और जो आठवीं क्लास तक की शिक्षा है 1995 तक सभी बच्चों के पास पहुंच जानी चाहिए। अध्यापक प्रशिक्षण के बारे में इन्होंने क्या कहा, टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। शिक्षा नीति 86 में अध्यापक को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का मुख्य अंग माना गया है, क्योंकि यही नागरिकों, समाज और देश के निर्माणकर्ता होते हैं। इसलिए अध्यापकों की सेवा शर्तों में सुधार किया जाएगा, उनके वेतन बढ़ाए जाएंगे, उन्हें प्रमोशन का अवसर प्रदान किया जाएगा, पदोन्नति की जाएगी। अध्यापकों के स्थानांतरण, प्रशिक्षण और आचार संहिता आदि के नियमों में परिवर्तन कर उन्हें आकर्षक बनाया जाएगा, शिक्षा की गुणवत्ता में भी वृद्धि की जाएगी। नेक्स्ट बात इन्होंने क्या कही, डिग्री की नौकरी से असंबद्धता। उस टाइम पर अंग्रेजी शासन ही चल रहा था, अंग्रेजों के अकॉर्डिंग ही जनरली शिक्षा व्यवस्था हमारी चल रही थी। कौन सी शिक्षा व्यवस्था आई थी, हमारी आई थी माध्यमिक शिक्षा आयोग आया था, एक मुदालियर आयोग 1952 में, जिसने 1953 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। उस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन काफ़ी बातें उस आयोग की कन्फ्यूज करने वाली थी। इस वजह से जो अंग्रेजों ने जो नीति निर्धारित की थी भारतीय शिक्षा के बारे में वही चल रही थी। और उस नीति में क्या था, जो डिग्री लेगा, जितनी अच्छी डिग्री लेगा उसे उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, सीधी सी बात है। लेकिन इस शिक्षा नीति ने क्या कहा कि नौकरी को डिग्री से अलग कर दो, जो बच्चा लायक है उसे नौकरी दो, न कि जिसके पास ज़्यादा डिग्री है उसे नौकरी दो। इस शिक्षा नीति की एक विशेषता डिग्री को नौकरी से अलग करने का भी थी, एक विशेषता यह भी थी, इसने क्या किया, डिग्री को नौकरी से अलग कर दिया। क्रमिक रूप में यह एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण सेवा प्रारंभ की जाएगी, जिससे प्रशिक्षार्थियों जो बच्चे होते हैं उनकी उपयुक्तता की परख हो सकेगी। मतलब बच्चों की उपयुक्तता की परख करो, जो बच्चा उपयोगी है उसे नौकरी पर रखो, न कि जिसने डिग्री ली हुई है, चाहे उस पर कुछ ना आता उसे आप नौकरी पर रख लें। तो ये 24 हेडिंग थी, इसके अलावा भी काफ़ी हेडिंग है, आप अपने हेल्प बुक में, नोटबुक में जो नोट्स होते हैं या बुक होती है वहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन ये इजी सी हेडिंग थी जो मैंने यहाँ पर आपके लिए रख दी है। कोशिश करना ही इनमें से 15 हेडिंग तो आप पेपर में लिख कर या और 15 हेडिंग में भी थोड़ा थोड़ा सा अपने शब्दों में लिख दो, थोड़ा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। वैसे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीएड एग्जाम के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये अभी लागू हुई है और पूरी तरह से लागू भी नहीं हुई है। इस वजह से आज के टाइम में जो पढ़ाई चल रही है ना, वो इस शिक्षा नीति के लिए तहत ही चल रही है, 86 के तहत ही। और करंट में जो एजुकेशन चल रही है, उस एजुकेशन के बारे में अगर हमें जानना हो तो यही शिक्षा नीति पढ़नी पड़ेगी। इस वजह से ये शिक्षा नीति काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है। अब ये शिक्षा नीति थी, इसकी 24 हेडिंग थी, ये मैं कवर कर चुका हूँ। आई होप आप समझ पाए होंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या थी, उसने क्या क्या चीज़ें किस बारे में बताई। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।